नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने घरों में जो बेसिकली जो प्रेस यूज होती है उसके कनेक्शन बताऊंगा। पहले मैं इसको पेज पर बताता हूं, फिर उसके बाद इसके कनेक्शन बताऊंगा। सिंपली होता क्या है इसके अंदर, एक तो होता है हीटिंग एलिमेंट इस तरह का, ये वी शेप का एक हीटिंग एलिमेंट होता है। जब आप इसे उनको खोल के देखेंगे तो अपन को कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट, है तापक तंतु। ये किसका बना होता है, नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम धातु का ये बना होता है, ठीक है। इस तरह से एक हीटिंग एलिमेंट होगा नाइक्रोम धातु का। इसके बीच में क्या होता है, एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। क्या होता है, थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। कौन सा स्विच लगा होता है, ये थर्मोस्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो धातु की पत्तियाँ होती है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। एक होता है अपना इंडिकेटिंग बल्ब जिसे अपन देखते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर होते हैं टर्मिनल बॉक्स, 1 2 3। तो यहाँ पर ई एल और एन, यानी अर्थ का, लाइन फेज का और न्यूट्रल का, इस तरह से कनेक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने इनपुट सप्लाई के लिए ये 3-पिन सॉकेट जो अपना होता है, 3-पिन सॉकेट जो होता है, ये आप मान लो अपना अर्थिंग का हो गया, ये अपना लाइन वाला होगा, फेज का हो गया, और ये न्यूट्रल का होगा। तो यहाँ से अर्थिंग वाले को अर्थिंग से जोड़ देंगे, ठीक है, और लाइन वाले को यहाँ से लाइन वाले से जोड़ देते हैं, और न्यूट्रल वाले को यहाँ से न्यूट्रल वाले को जोड़ दे। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर अर्थिंग वाला तार जो कि हरा कलर का होगा, अर्थिंग के लिए कौन सा आएगा, ग्रीन कलर वाला, ये यहाँ लगा देंगे। और ये फेज होगा, ये लाल तार होगा, ठीक है, और ये काले कलर का होगा, ये न्यूट्रल का होगा। ये तीनों को यहाँ टर्मिनल, जब अपनी प्रेस होती है उसके बीच में लगा देंगे। यहाँ से अर्थिंग का तो बॉडी से टच हो जाएगा। उसके बाद अब देखिएगा, इंडिकेटिंग बल्ब के कनेक्शन होते हैं एक लाइन का सिंपल सा, और ये अपना न्यूट्रल का, दोनों जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लाइन का एक तार, जो फेज तार है, एक तार लगाएंगे अपन इधर से, किधर से, इधर से लगा दिया लाइन का, ठीक है, सॉरी ये न्यूट्रल वाला ले लेंगे अपन, ठीक है, लाइन एक तार ले लेंगे अपन। वैसे सिंगल फेज में कोई दिक्कत नहीं होती है, वैसे जाना क्या जाए न्यूट्रल का। अब दूसरा जो तार होता है वो जाएगा थर्मोस्टेट स्विच में, थर्मोस्टेट स्विच में जाएगा, ठीक है। उसमें द्विधातु पत्ती, थर्मोस्टेट स्विच में होता क्या है, इस तरह से पत्ती होती है, द्विधातु पत्ती होती है, ठीक है। तो एक कनेक्शन इधर से होती है, ये पत्ती होती है, गर्म होने पर क्या होता है, बीच में आ जाती है, और ठंडा होने पर चिपक जाती है, कंटिन्यूटी बनाती है, मतलब द्विधातु पत्ती होती है इस तरह से। तो जैसे ही प्रेस ठंडी हो जाती है चिपक जाती है, और सप्लाई कंटिन्यूटी जैसे द्विधातु पत्ती होती है, बायोमेटलिक स्ट्रिप बोलते हैं। फिर यहाँ से दूसरा जो पत्ती का है वो इस तरह से कनेक्शन होता है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ आपको एक बार, बेसिकली दोबारा से देख लें किस तरह से होता है। सिंपली एक हीटिंग एलिमेंट होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हीटिंग एलिमेंट होगा। हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है, उसके बीच में एक थर्मोस्टेट स्विच है, गोल गोल जो होता है उसके अंदर से खोलेंगे, द्विधातु पत्ती होती है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप वाली पत्ती होती है, ये थर्मोस्टेट स्विच होगा, ठीक है। उसके बाद एक बल्ब होता है जिसे अपन इंडिकेटिंग बल्ब, भाई प्रेस में अपनी सप्लाई आई है नहीं आई है। उसके बाद देखते हैं नीचे, यहाँ पर एक प्लेट सी लगी होगी, ठीक है, इसमें ट्रेडमिल से होते हैं, ये अर्थिंग का मान लेते हैं, ये फेज वाला और ये न्यूट्रल वाला, ठीक है। अब अपनी जो 3-पिन प्लग होती है, ये मोटा प्लग तो अर्थिंग का होता है, आप सभी जो, तो अर्थिंग वाले को अर्थिंग से सीधा जोड़ देंगे। अब यहाँ मान लो ये फेज का है और ये न्यूट्रल का है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट फेज और ये न्यूट्रल इसमें दे देंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ से कनेक्शन करने पर न्यूट्रल वाला जो तार होता है, जैसे मैंने पिछले में बताया था, न्यूट्रल वाला तार इस हीटिंग एलिमेंट जोड़ देंगे, ठीक है। अब हीटिंग जो फेज अर्थिंग का कनेक्शन हो गए, न्यूट्रल के हो गए, अब जो फेज वाला जो तार होता है वो सीधा किस में जाएगा, हीट जो अपना थर्मोस्टेट स्विच है उसमें दो पत्तियाँ होंगी, एक पत्ती का तार निकालेंगे अपन और इसे जोड़ देंगे, जोड़ दिया, दूसरी पत्ती वाला जो तार निकाल करके इसे जोड़ेंगे सीधा सीधा, मतलब क्या ना, मतलब थर्मोस्टेट जो स्विच है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हीटिंग एलिमेंट से। अभी जो जब अपना इंडिकेटिंग बल्ब होता है वो सिंपली कनेक्शन होता है, एक तो इसमें फेज हो जाएगा और एक न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये तो मैं फेज दे देता हूँ और ये न्यूट्रल है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, प्रेस के कनेक्शन करते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा प्रेस को खोल करके, जैसे मेरे पास ये उषा की प्रेस है, इसको मैं आपको खोल के बताऊंगा किस तरह से कनेक्शन करते हैं, ठीक है।